अस्सलाम वालेकुम। हमारी बॉडी स्किन की डीपेस्ट लेयर में न्यू स्किन सेल्स प्रोड्यूस करती रहती है। न्यू स्किन सेल्स आउटर लेयर की तरफ मूव करते हैं, जबकि डेड सेल्स की शेडिंग हो जाती है, यानी कि वो गिर के ख़त्म हो जाते हैं। नॉर्मली इस प्रोसेस को 3 से 4 हफ्ते लगते हैं, लेकिन सोराइसिस, जिसे हम अपनी जबान में चंबल भी कहते हैं, ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें यह प्रोसेस बहुत क्विकली होता है। सोराइसिस के केस में इस प्रोसेस को सिर्फ और सिर्फ 3 से 4 दिन लगते हैं, जिसके नतीजे में सेल्स फुली मैच्योर नहीं हो पाते और हमारी स्किन पर क्रस्टी पैचेस बन जाते हैं। सोराइसिस की फॉलोइंग टाइप्स हो सकती हैं। नंबर 1, प्लैक सोराइसिस। सोराइसिस की ये टाइप बहुत कॉमन है और ये आमतौर पर एल्बोस, नीस, लोअर बैक और स्कैल्प को इफेक्ट करती है। प्लैक सोराइसिस में बनने वाले पैचेस डिफरेंट कलर्स के हो सकते हैं। नंबर 2, नेल साइराइसिस। ये टाइप सबसे ज़्यादा फिंगर नेल्स और टो नेल्स को इफेक्ट करती है और नेल्स की ग्रोथ और कलर को सबसे ज़्यादा इफेक्ट करती है। नंबर 3, गुटेट साइराइसिस। साइराइसिस की ये टाइप चिल्ड्रंस और यंग एडल्ट्स में देखी गई है। ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से होता है। नंबर 4, पस्टुलर साइराइसिस। साइराइसिस की ये टाइप सबसे ज़्यादा रेयर है। पस्टुलर साइराइसिस में पाम और टोस में पस से भरे हुए ब्लिस्टर्स बन जाते हैं। सिम्टम्स। अगर साइराइसिस के सिम्टम्स पर बात की जाए तो इसका सबसे कॉमन सिम्टम्स पैची रैशेस का बनना है। ये पैची रैशेस पेशेंट के स्किन कलर के मुताबिक वेरी करते हैं। ब्राउन या ब्लैक कलर के पेशेंट्स में पैचेस ग्रे स्केल्स के साथ पर्पल कलर के होते हैं, जबकि वाइट कलर के लोगों में पैचेस सिल्वर स्केल्स के साथ पिंक या रेड कलर के होते हैं। सोराइसिस में स्किन बहुत ज़्यादा क्रैक्ड और ड्राई हो जाती है और कुछ केसेस में तो ब्लीड भी करती है। ट्रीटमेंट। सोराइसिस की ट्रीटमेंट में रैपिडली डिवाइडिंग स्किन सेल्स की ग्रोथ को रोका जाता है। सोराइसिस की ट्रीटमेंट में जो मेडिसिंस दी जाती हैं, उनमें कॉर्टिकोस्ट्रॉइड्स, विटामिन डी एनालॉग्स, रेटिनॉइड्स और सैलिसाइक्लिक एसिड शामिल हैं। सोराइसिस को ट्रीट करने के लिए पेशेंट की बॉडी को लाइट एक्सपोजर भी दिया जाता है। सोराइसिस की प्रिवेंशन में डेली बाथ, स्किन को मॉइस्ट रखना, स्किन को कूल रखना, अफेक्टेड एरिया को रात को सोने से पहले कवर करना और हेल्दी लाइफस्टाइल को मेंटेन करना वगैरह शामिल हैं। अगर आपको इस वीडियो को लेकर कोई भी सवाल हो या फिर आप हमें कोई टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हो तो आप हमें हमारे फेसबुक पेज के थ्रू रीच आउट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।